हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज बनाने वाला हूँ, यानी कि बना चुका हूँ, बस आपको दिखाना है किस तरीके से मैंने मेहनत की, किस तरीके से बनाया है। मैंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जिसमें मेरा कोई भी बजट किसी भी तरह का एक रुपये भी खर्च नहीं हुआ है। आप भी बिना पैसों का एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, कॉमर्शियल एड बना सकते हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए आपको छोटी सी इसकी झलक दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो आपने वीडियो देखी ली होगी कि किस तरीके से ये बना हुआ है, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से वीडियो शूट करनी है, कहाँ पे शूट करना है, कैसे शूट करना है, एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं डिस्प्ले पे वीडियो जो चल रही है। सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड लिया, एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लिया जो कि दीवार पे लगा दिया उसको, ताकि बैकग्राउंड रिमूव कर सकूँ और जो मेरा फ्रंट का ऑब्जेक्ट है उसको ले सकूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में सारी चीज़ें ली, वीडियो शूट करी एक एक करके। इसमें कुछ मेरी भी क्लिप शामिल हैं और कुछ हमारे प्रोडक्ट का जिनका हम ऐड बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा शूज है, मैंने शूज को लिया था। शूज के हमारे जितने भी शॉट्स हैं, लगभग एक शॉट के लिए 15 से 20 बार हमें रिपीट करना पड़ रहा था, बार बार हमारी क्लिप खराब हो जा रही थी इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। फाइनल में कोई ना कोई हमने सोचा, बहुत अच्छा होने के बाद भी हम बार बार रिपीट कर रहे थे ताकि कोई ना कोई तो एक ऑब्जेक्ट तो अच्छा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो शूट हुई थी, हमारे शूज की गिरने की, ड्रॉप होने की। फाइनल में हमारे दो क्लिप शामिल थे, जैसे कि मैं जंप कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन पे, और एक परफेक्ट टाइमिंग भी चाहिए होता है कि कौन से टाइमिंग पे हमारा सही इमेज आएगा। तो परफेक्ट टाइम के लिए भी सबसे पहले तो मैंने स्टैंड पे अपना फ़ोन जो है लगाकर स्लोमो करके स्लोमो मोड पे लिया था, ताकि स्लोमो मोड पे हमारा फ्रेम रेट और ज़्यादा बढ़ जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का क्लिप निकाल सकें स्लोमो में। तो इस तरीके से हमने अपना वीडियो खुद का शूट किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। चलिए एडिटिंग के बारे में बात करते हैं कि एडिटिंग किस तरीके से की गई है। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले जितने भी फाइलें हमने ग्रीन स्क्रीन में जितने भी बनाई थी, जितनी वीडियो शूट कर रही थी हमने, शूट करने के बाद हम क्या किया, आफ्टर इफेक्ट में फाइल सबसे पहले इंपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले जितनी भी हमारे ग्रीन स्क्रीन की फाइलें हैं, लगभग कि सारी जितने भी फोटेज हैं सारे ग्रीन स्क्रीन की है, तो हम उनका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट में टाइम लाइन में यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद ड्रैग कर लेना। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए थोड़ा टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में जाने के बाद इफेक्ट एंड प्रीसेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका भी सिस्टम स्लो हो, मेरा सिस्टम शुरू से भी थोड़ा स्लो है। तो चलिए यहाँ पर मैं डालता हूँ की लाइट यहाँ पर डालेंगे। की लाइट डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर की लाइट यहाँ 1.2 आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर की लाइट का हमारा ऑप्शन शो हो रहा है, क्लिक की इस पर जाकर हमारा आई ड्रॉप टूल लेके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर हम इसको मेट पे जाके देखें, कंबाइंड मेट पे जाके देखें, तो यहाँ पर अभी भी हमारा ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक और वाइट दिख रहा है, मतलब कि सही से अभी रिमूव नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन गेन, यहाँ से आप इसको बढ़ाया घटा सकते हैं और स्क्रीन बैलेंस भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन मेट पर जाना है। स्क्रीन मेट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिप ब्लैक और क्लिप वाइट, ध्यान दीजिएगा क्लिप वाइट हमारा वाइट ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा और जो ब्लैक है ब्लैक ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ से इसको वाइट, तो पूरी तरीके से हमारा ये परफेक्टली बन गया है। और इसका जो आप साइड में देख रहे हैं इसका थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कंबाइंड मेट पे जाते हैं, फाइनल रिजल्ट देखते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा निकल कर आया है और यहाँ पर हमारे देखते हैं साइड में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो इसको निकालने के आपको यहाँ से पेन टूल पे जाना है। पेन टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मास्क पे जाना है। मास्क पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कर लेना है सबट्रैक्ट। जैसे सबट्रैक्ट करेंगे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है फालतू का वो हट जाएगा।
सारे वीडियो जितने भी हमारे फोटोज थे सबका बैकग्राउंड हटाने के बाद आप उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं उस पर, या तो आउटर इफेक्ट में ही जाके आप कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए या चेंज कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट में ही जाके चेंज कर लिया। अब आपको यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज़ करना है, यहाँ पर हम प्रीमियर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे हमें कुछ इस बने बनाए प्रीसेट मिल जाएंगे, इसलिए हम वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज़ करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं समझा सकता कि किस तरीके से मैंने एक चीज़ एडिट करी, किस तरीके से बनाई है। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कैसे एक एक चीज़ मैंने सेट करके कैसे बनाया है, एक एक टूल, एक एक चीज़, एक एक कौन कौन से हमारा कर्सर कहाँ पे गया है, कौन कौन सा टूल यूज हुआ है, कौन सा ट्रांजिशन यूज हुआ है, कौन सा इफेक्ट यूज हुआ है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये बस आपको आज का वीडियो में समझाना था कि हमारी वीडियो किस तरीके से शूट हुई है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है, तो इन दो सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ए टू जेड सारी डिटेल प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।